हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सविता की रेसिपीज। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कच्चे आलू की लच्छेदार नमकीन की रेसिपी। आप इसे व्रत में या फिर इसी तरह से भी बनाकर खा सकते हैं और यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए इसे देख लेते हैं कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 3 कच्चे आलू, जिसके छिलके मैंने उतार लिए हैं। छिलके उतार कर हम इसे पानी में ही रखेंगे, जिससे कि आलू काले ना पड़े। इन आलूओं को हमें ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट करना है, तो इसके लिए ग्रेटर के मोटे वाले हिस्से से ही हम इसे ग्रेट करेंगे, ताकि आलू के मोटे मोटे लच्छे निकल कर आए। और इस तरह से देखिए, मैंने सभी आलूओं को ग्रेट कर लिया है और इसके मोटे मोटे लच्छे तैयार हो गए हैं। और इन लच्छों को हम अच्छे से पानी से 3 से 4 बार धोएंगे, ताकि इनके स्टार्च अच्छे से निकल जाए और आलू हमारे काले ना पड़े। 3 से 4 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है, तो अब इसे हम किसी छन्नी की हेल्प से छान करके निकालेंगे, ताकि इसके अंदर के सारे पानी अच्छे से निकल जाए, क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है तो इसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे इसके सारे पानी निकल जाए और इसके मॉइस्चर खत्म हो जाए। तो इसे हमने निकाल लिया है और देखिए हमारे लच्छे कितने अच्छे तैयार हुए हैं। तो इसके मॉइस्चर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हमें क्या करना है, एक इस तरह से मोटी सी टॉवल ले लेनी है या फिर कोई भी कॉटन के कपड़े ले लें और उसमें इन लच्छों को इस तरह से फैला देना है, ताकि इसके मॉइस्चर टॉवल अच्छे से ऑब्जर्व कर ले और इसे इस तरह से हाथों से दबाते हुए इसके ऊपर से लगाएंगे, जिससे कि आलू के सारे मॉइस्चर इस कपड़े में आ जाएंगे और आलू की लच्छे पूरी तरह से मॉइस्चर फ्री हो जाएंगे। और अब इसे फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल डालेंगे और उसे गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब इसमें हम आलू के लच्छे डालेंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई होने देंगे। देखिए, पहले से इसका कलर थोड़ा चेंज हो चुका है, तो थोड़ी देर इसे और फ्राई करेंगे, ताकि यह थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। और जब यह गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तब इसे निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। तो बस और क्या, बाकी सभी लच्छों को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने के बाद उसे निकाल लेंगे। और अब उसी तेल में आधी कटोरी मूंगफली के दाने डालेंगे और उसे भी चटकने तक अच्छे से क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। और साथ में ही थोड़ी सी कड़ी पत्ता और 2 हरी मिर्च भी फ्राई कर लेंगे। और सभी चीज़ें रेडी हैं, तो चलिए इस नमकीन को बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने जो मूंगफली फ्राई करके रखी थी उसे डालेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, क्योंकि हम इसे व्रत में खाने के लिए बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है। थोड़ा सा सेंधा नमक, जो व्रत में खाने वाला नमक होता है, उसे डालेंगे और इन सभी चीज़ों को मिला लेंगे। यदि आप व्रत में खाने के लिए नहीं बना रहे हैं, तो आप चाहे तो इसकी जगह पर चाट मसाले डाल सकते हैं। थोड़ी सी मूंगफली और डाल लेते हैं। अब साथ में डालेंगे कड़ी पत्ते और 2 हरी मिर्च हमने जो फ्राई करके रखी थी उसे। और लीजिए, हमारे आलू की लच्छेदार नमकीन बनकर तैयार है। तो इसे आप किसी भी तरह से इंजॉय करें, चाहे व्रत में खाएं, चाहे इसी तरह से। बहुत ही टेस्टी लगते हैं दोस्तों, तो इसे घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं दोस्तों और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।